इचरा के इलाके शाजमाल चौक में तल्ख कलामी पर फायरिंग हो गई, तीन अफराद जख्मी, जख्मियों में राउफ इलियास और उनका एक साथी शामिल है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज शाहजेब शहजाद से। शाहजेब बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, ये थाना इचरा की हदूद के अंदर ये वाकया पेश आया है जहाँ पे फायरिंग के जो इलाका शाहजमाल चौक में ये फायरिंग का मामला पेश आया, जिसके नतीजे में जो है वो तीन अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। पुलिस से जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि फायरिंग जो है वो मामूली तल्ख कलामी पर हुई। फायरिंग से तीन अफराद में जिनमें रऊफ अलियास और इनका एक और साथी शामिल हैं जो कि शदीद जख्मी, और उनको फौरी तौर पे जो है वो मुकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। फायरिंग से तीन अफराद अस्पताल में तो दाखिल करवा दिए गए, अलबत्ता पुलिस ने भी मौके पर पहुंच के जो है वो तमाम शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। और पुलिस का यही कहना है कि जो मुल्जिमान है उनके खिलाफ जो है वो छापामार टीमें भी तश्कील दे दी गई है जो कि उनको जल्द जो है वो गिरफ्तार करके ले आएंगी। अलबत्ता जो मदई हैं उनकी तरफ से अभी तक जो है वो दरख्वास्त जमा कराई गई है, अभी तक जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया। जी ठीक है, शुक्रिया शाहजेब शहजाद।